तो हम पेंट एप्लीकेशन बना रहे हैं और हमने काफ़ी कुछ पहले से इम्प्लीमेंट कर लिया यार। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस अगर आप बेसिकली इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे तो हमने बहुत सारी चीज़ें पहले से इम्प्लीमेंट कर ली हैं, राइट। बट इस वक्त यार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में हम किस तरीके से अपने पेंट एप्लीकेशन में इरेजर को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्राम का बेसिकली प्रोग्राम चाहिए तो आप लिंक को एक्सेस कर सकते हैं और आपको हर हर इस चेक पॉइंट का बेसिकली कोड मिल जाएगा और पूरे प्रोजेक्ट का भी डेफिनेटली मिल जाएगा। तो यहाँ पर यार सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा आपको और आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है यार, यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ अच्छे से ड्रॉ कर पा रहा हूँ और ये वर्क तो कर रहा है। बट अगर मैं इरेज करने की कोशिश करूँ तो ये बटन स्पेसिफिकली वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज मैंने वो फंक्शनैलिटी ऐड ही नहीं की है इस चीज़ में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पेंसिल बनाने के बाद हम इस चीज़ को किस तरीके से इरेज कर सकते हैं। बट अगर आपने इन प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप किस तरीके से कैनवास में कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। वेल नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली क्रिएट दिस काइंड ऑफ इरेजर। वेल मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कुछ एमएस पेंट जैसा एप्लीकेशन बनाए, तो मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ। तो हम कुछ ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे अभी हम टूल्स बना रहे हैं, राइट। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा यार, सबसे पहले एक आपको बताऊँगा आइडिया कि हम एक्चुअली में करने क्या वाले हैं। सो बेसिकली अगर मैं कभी भी कोई चीज़ ड्रॉ करता हूँ ना तो उसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, क्योंकि हम यहाँ पे कैनवास डॉट क्रिएट लाइन यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आपको दिखा दूंगा कि मैं लाइन क्रिएट कहाँ कर रहा हूँ। तो दिस इज़ कैनवास डॉट क्रिएट लाइन और यहाँ पे मैंने अभी तक कोई कलर नहीं दिया है। बट अगर मैं दूँ फिल इक्वल्स लेट्स से ग्रीन, तो हमारा जो लाइन है वो ग्रीन कलर में दिखने लगेगा। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक होता है, सो अगर आप ये चीज़ मेंशन नहीं करते हो तो ब्लैक होगा। बट नाउ आप उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे कि ये ग्रीन इन कलर है, राइट। हम स्ट्रोक साइज भी चेंज कर सकते हैं, इसे थिक बना सकते हैं और थिन भी बना सकते हैं, बट वो हम बाद में करेंगे। बट अभी के हिसाब से हमें ये देखना है कि हम इसे इरेज किस तरीके से कर सकते हैं। सो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं इस इरेजर पर क्लिक करूँ ना, उस समय मैं कलर को चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले तो फिल की जगह एक वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा जो कि जब भी मैं पेंसिल पे क्लिक करूँ तो ब्लैक हो जाए और इरेजर पे क्लिक करूँ तो बेसिकली वो वाइट हो जाए, ताकि मैं चीज़ों को इरेज कर सकूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कैनवास इज वाइट। नाउ इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा यार, और वेरिएबल को मैं इस जगह पर बना दूंगा। मैं लिखूंगा कि स्ट्रोक कलर, और यहाँ पे स्ट्रोक कलर जो है उसे मैं इनिशियली बाय डिफॉल्ट ब्लैक बना दूंगा, राइट। अब यार प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रोक कलर एक नॉर्मल वेरिएबल है और हमें यहाँ पे ये वेरिएबल यूज़ नहीं करना है। हम चाहते हैं कि जब भी हम बटन को क्लिक करें और वेरिएबल चेंज हो, रियल टाइम पे वो इफेक्ट हम देख पाएं अपने जीयूआई प्रोग्राम में। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ता है जो कि है स्ट्रिंग वायर। हम बेसिकली स्ट्रिंग वायर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि है स्ट्रोक कलर, और इनिशियली हम कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्ट्रोक कलर डॉट सेट, और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इनिशियली मैं इसे ब्लैक रखना चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट, राइट। और एक और चीज़ यार, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रोक कलर लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग वायर का, तो मुझे यहाँ पे डॉट गेट लिखना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका कलर मिले। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक लिखा है। वेल मैं यहाँ पे ग्रीन लिख के ये ट्राई करना चाहूंगा कि क्या ये वर्क कर रहा है, क्योंकि ग्रीन से ही पता चलेगा मुझे। बाय डिफॉल्ट ये प्रोग्राम सेव नहीं हो रहा है, आई विल सी इनटू इट। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन हो रहा है, दैट मीन्स इट वर्क्स। नाउ यहाँ पे मैं इरेजर बटन को ढूंढूंगा कि मेरा इरेजर का बटन है कहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पुराने वीडियोस में फ्रेम बनाए थे, फ्रेम वन के अंदर हमारा टूल्स फ्रेम है और टूल के अंदर हमारे पास पेंसिल है और इरेजर है। तो यहाँ पे मैं एक कमांड डालूंगा और वो कमांड होगा बेसिकली कमांड इक्वल्स। अब मैं एक फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, बट हमारे पास लैम्डा फंक्शन होता है। तो जैसे अगर मैं लिखूँ लैम्डा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्ट्रोक कलर डॉट सेट, और मैं इसे कर दूंगा वाइट, राइट। तो मैं यहाँ स्ट्रोक कलर को चेंज कर रहा हूँ, सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर दूंगा अपने पेंसिल बटन पे भी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉमा और यहाँ पे मैं पूरी चीज़ें पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ब्लैक। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगा और इसे रन करूंगा, एंड अगर अब मैं करूँ तो ये बाय डिफॉल्ट ग्रीन हो रहा है, ओके दैट वर्क्स। अगर मैं पेंसिल पे क्लिक करूँ तो ब्लैक हो गया, और अगर मैं इरेजर पे क्लिक करूँ यार तो यहाँ पे ये इरेज हो रहा है। तो ये बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है यार, और यही मैं बनाना चाहता था बेसिकली, राइट। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। लेकिन कुछ और चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं इरेजर बनाऊँ ना, तो अगर मैं एक्चुअल एमएस पेंट खोलूँ तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि इरेजर बनाने पर ये इसका जो कर्सर है वो चेंज कर दे रहे हैं, राइट। ये कुछ स्क्वायर बॉक्स जैसा हो जाता है और यहाँ पे ये पेंसिल जैसा हो जाता है। तो हम भी यही करेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने कब इरेजर को एक्टिवेट किया और हमारे लिए आसान हो
समझना। तो यहाँ पे मैं इसे बंद करूंगा और मैं इसे भी बंद करूंगा, एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू दैट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये मैं स्ट्रोक कलर डॉट सेट तो कर ही रहा हूँ, बट उसके साथ साथ मुझे कुछ और भी करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन का नाम रहेगा सेट पेंसिल, और लाइक यूज पेंसिल फंक्शन में बना सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा डिफाइन यूज पेंसिल, और अगर आप टेंशन ले रहे हैं कि मैं किस तरीके से अभी फंक्शंस को क्रिएट कर रहा हूँ, वेल आई विल ऑर्गेनाइज दिस एंटायर थिंग परफेक्टली, और मैं कमेंट्स भी ऐड कर दूंगा यार, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं यूज पेंसिल कर दूंगा, और यूज पेंसिल के अंदर ही मैं दो चीज़ें लिखूंगा। सबसे पहले अगर मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ तो स्ट्रोक कलर डॉट सेट होना चाहिए ब्लैक, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लैक कलर, और हमारा बेसिकली जो कर्सर होगा मैं उसे भी चेंज कर सकता हूँ अपने कैनवास पे, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूज बेसिकली इस जगह पे कमांड इक्वल्स यूज पेंसिल को मैं कॉल कर दूंगा। दैट्स इट। द सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू विद इरेजर एज वेल। सो डिफाइन यूज इरेजर, तो यहाँ पे मैं यूज इरेजर लिख दूंगा, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा स्ट्रोक कलर डॉट सेट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वाइट। राइट, अब यार इरेजर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कमांड इक्वल्स यूज इरेजर लिख दूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ और भी चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे यूज इरेजर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं इरेजर को एक्टिवेट कर रहा हूँ उस समय मैं कैनवास की कुछ प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे होता ही है ना कि जब मैं कैनवास के ऊपर हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कर्सर शुड बी, और मैं यहाँ पे बहुत सारे अजीब अजीब प्रकार के वैल्यूज होते हैं, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ एरो, आई गेस एरो तो नहीं है, मैं एक लिख सकता हूँ डॉट बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं डॉट बॉक्स पे क्लिक करूँ और इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप ये देखेंगे, ओके इट इज़ नॉट गेटिंग ऑटो सेव्ड। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि अब ये ऑटोमेटिकली जब भी मैं कैनवास पे कर्सर रखता हूँ तो ये डॉट बॉक्स हो जाता है। ये चीज़ मैं तब करना चाहता हूँ जब मैं अपने इरेजर को एक्टिवेट करूँ। तो इरेजर को मैं एक्टिवेट करने वाला हूँ यार इस पर्टिकुलर फंक्शन के द्वारा जो मैंने यहाँ बनाया है, और ये चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा कैनवास और प्रॉपर्टी लिखूंगा, प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे है हमारा कर्सर, तो यहाँ पे कर्सर लिखूंगा, और उसके बाद इस चीज़ को मैं लिख दूंगा इक्वल्स और जो भी वैल्यू मुझे प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट बॉक्स बेसिकली डॉट वेट अ सेकेंड डॉट बॉक्स यहाँ पे है, और यही चीज़ मैं करना चाहता था यार, और यहाँ से मैं इस चीज़ को हटा दूंगा। सो इट शुड वर्क परफेक्टली नाउ, आई विल सेव इट एंड आई विल रन दिस प्रोग्राम अगेन। और आप अगर यहाँ पे देखें तो मैं इसको बना पा रहा हूँ परफेक्टली, अभी आप देख सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है। अगर मैं पेंसिल पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि अब ये इस तरीके से एक्टिवेट हो गया, अभी ये बेसिकली कर्सर ये बन चुका है। अगर मैं इरेजर पे क्लिक करूँ तो भी हो रहा है ये चीज़, राइट, और मैं इरेज भी कर पा रहा हूँ। तो यार यही था, यही मैं आपको बताना चाहता था, एंड आई गेस आई हैव एक्टिवेटेड दिस इन यूज पेंसिल। सो यहाँ पे मैं इस चीज़ को यहाँ पे एक्टिवेट करूँगा, क्योंकि मैं जब इरेजर यूज़ कर रहा हूँ तब मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। तो अभी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, पेंसिल पे भी ये नॉर्मल ही है कर्सर, बट इरेजर पे क्लिक किया तो ये बॉक्स बन गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इरेजर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेल मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं मान लो यहाँ पे पेंसिल की मदद से बहुत सारा बहुत डार्क लाइन्स बना दूँ और फिर इरेजर की मदद से इरेज करना चाहूँ तो ये इरेज होता है, राइट। सो यही मैं आपको दिखाना चाहता था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, हम इसे और बेटर बनाएंगे इन अपकमिंग वीडियोज़। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, बाय।